खबरें विस्तार से। खाद्य एवं औषधि प्रशासन जनता गणपति मंडलों पर नजर रख रही है ताकि गणेश उत्सव के दौरान मल्टीटेड न हो। सार्वजनिक गणपति मंडलों को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता है। इसके अलावा एफडीए अधिकारियों को महाप्रसाद और प्रसाद के बारे में जानकारी भी देनी होगी। बारी टाकड़ी पर बांध ईसापुर में रविवार की सुबह बैल धोने बांध के पास गया तो एक युवक को बांध ने घेर लिया। मृतक का नाम गौरव संतोष एकनार बताया गया। सेलू तालुका में वालूर में सारेश फिलिंग स्टेशन पर दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे के बीच दो लुटेरों ने चाकू की नोक पर पंप से 1.25 लाख नगद चुराए। इस घटना से गांव वाले काफी परेशान हैं। शहर पुलिस की एक विशेष टीम 4 लोगों को कॉलखेड़ क्षेत्र होटल और ढाबा अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनसे लाखों अवैध शराब के सामान जब्त कर उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक MR कलासागर को जानकारी मिलते ही वहां पहुंचकर होटल वाले के खिलाफ कार्रवाई की। अकोला जिला में 11 वर्षीय लड़की ने लगाई फांसी। यह घटना कृषि नगर में हुई है। मृतक लड़की का नाम अंजली सुरेश बेलेकर बताया गया। उनके पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं। पिता और माँ कपड़े लेने मार्केट गए थे। आत्महत्या की वजह अभी तक सामने नहीं आई। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।